लोकसभा में बीते मंगलवार को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक देखने मिली थी। तमाम वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल थे और अमर उजाला ने भी ढेरों खबरों के जरिए आपको वो वीडियोस दिखाए थे। यहां तक कि राहुल गांधी का समर्थन करते हुए सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी सदन में अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा था, वो भी हमने आपको बताया था। लोकसभा में उस वक्त ज्यादा हंगामा हो गया जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातिगत गणना की बात कर रहा है। हालांकि अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया। अनुराग ठाकुर ने एक सामान्य तौर पर जब विपक्ष शोर मचा रहा था तो उन्होंने वो बात कही। अनुराग ठाकुर के इस बयान पर तुरंत राहुल गांधी ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हो गए। इस पूरे मामले पर अब सपा के दिग्गज नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान आया है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब हमने जाति जनगणना की मांग की थी ये समाज का मुद्दा था। लोकसभा में राहुल गांधी के बारे में जो टिप्पणी की गई वो व्यक्तिगत टिप्पणी थी। स्पीकर को उस पर सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर किसी के विपक्षी दल के नेता ने ऐसा कुछ कहा होता तो संसद से उसे हटा दिया जाता। सुनिए जरा शिवपाल यादव का बयान, जो कि ये जाति वाला जो बवाल है, जाति के मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है उस पर क्या आया है। देखिए ये मामला जब हम लोगों ने मांग करी थी जातीय गणना की तो ये तो समाज का मामला था, लेकिन देखिए अभी लोकसभा में जो राहुल गांधी जी पर जो टिप्पणी की है वो व्यक्तिगत टिप्पणी है। तो जब अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करी थी तो उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई अध्यक्ष जी को करना चाहिए था। लेकिन अगर कहीं पर भी विपक्ष का कोई अगर इस तरीके का मामला उठा देता तो वो कहो तो लोकसभा से बाहर कर देते। लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष के होने के नाते अभी तक मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अनुराग ठाकुर जमकर सदन में बोलते हुए दिखाई पड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका पूरा वीडियो भी, पूरी उनका जो संसद में दौरान वो बोल रहे थे वो पूरा वीडियो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा था कि मेरे युवा और अनुराग ठाकुर को, मेरे युवा नेता को जरूर सुनना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में यह भी कहा था कि उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती, आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है। अनुराग ठाकुर के जाति संबंधी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि अनुराग ठाकुर ने मेरी इंसल्ट की है, बेइज्जती की है, मुझे गाली दी है, लेकिन फिर भी मुझे इनसे माफी नहीं चाहिए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं जाति जनगणना का मुद्दा उठाता रहूंगा। सदन में चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के सांसद ने अपने बयान में कहा था कि जिसको जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर के ऐसा बोलते ही सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े हुए अनुराग ठाकुर पर जवाबी हमला बोलते दिखाई पड़े। राहुल गांधी आरोप लगाते नजर आए कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इनसे माफी भी नहीं चाहिए। ठाकुर के बयान पर अखिलेश यादव भी आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि आप किसी की जाति भला पूछ कैसे सकते हैं। सदन में अखिलेश यादव गरमाते हुए नजर आए। इस पर सभापति ने कहा कि सदन में कोई किसी की जाति नहीं पूछेगा, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं जरूर इस पर संज्ञान लूंगा। हालांकि अनुराग ठाकुर लगातार ये बात कहते हुए दिखाई पड़े कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। उस वीडियो का, उस संबोधन का थोड़ा सा अंश देखिए। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को। सड़क से संसद तक जाति का मुद्दा हावी है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी इस बहस को और आगे बढ़ा दिया है। लोकसभा में ये सब कुछ हुआ, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, वो सीधे पीएम मोदी पर हमलावर दिखे। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है, लेकिन भरी संसद में ये कहा गया कि जिनकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। आपको बता दें जातिगत जनगणना का मुद्दा विपक्ष लेकर अड़ा हुआ है, या यूं कहें कि खड़ा हुआ है, और वहीं सरकार से इसका लगातार इसका विरोध हो रहा है। लेकिन बहस का केंद्र वहां भी और यहां भी
जाति ही है, यानी सड़क से लेकर संसद तक। आने वाले चुनावों में भी लगता है नहीं कि जाति के चक्र से कोई राजनीतिक पार्टी बाहर आना चाहती है, लेकिन निश्चित तौर पर यह जाति वाला मुद्दा जो कि विपक्ष जमकर उठा रही है, और लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है और ना ही इस तरह की किसी बात पर किसी का नाम लिया गया है। अब देखना यह है कि यह जाति वाली सियासत कितना लंबा खिंचती है। सदन अभी लंबा चलना है और इस बीच सदन के बाहर भी जमकर यह जाति का मुद्दा वायरल हो रहा है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।